प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 18 जिलों के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एफिरेसिस फैसिलिटीज व केमिल्यूमिनेसिस फैसिलिटीज मशीन व कोविड के लेवल 2 के लैब का लोकार्पण किया। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, CDO इंद्रजीत सिंह, BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मेडिकल कॉलेज में एफिरेसिस फैसिलिटीज व केमिल्यूमिनेसिस फैसिलिटीज मशीनों का लोकार्पण किया है। इन दोनों मशीनों से जो मरीज कोविड से ग्रसित तथा ठीक होकर घर जा चुके हैं, मरीजों के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा और पता लगाकर उनके शरीर का प्लाज्मा मशीन से निकालने में कारगर साबित होगा तथा उस प्लाज्मा को कोविड-19 मरीजों को चढ़ाया जाएगा, जिससे ग्रसित मरीजों की जान बचाई जा सके। प्रचार ने बताया कि डेंगू बुखार जिससे प्लेटलेट घट जाता है, उसको भी इस मशीन के माध्यम से केवल प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं। ये मशीन केवल प्लेटलेट लेगा, ब्लड नहीं काउंट करेगा। उन्होंने कहा कि ये मशीन बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड के लेवल 2 के लैब का भी उद्घाटन किया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 के मरीजों की जाँच समय पर की जा सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर नीज से बात करते हुए BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार तथा विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, 17 फैसिलिटीज का आज लोकार्पण शुभारंभ किया जा रहा है, जो प्रदेश में सफलतापूर्वक चल रही कोविड-19 और डेंगू के खिलाफ जो हमारा संग्राम है उसमें एक निर्णायक है। मैं इसी के साथ मैं प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री नाथ तिवारी जी का धन्यवाद करता हूँ, और साथ में जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं और 14 मेडिकल कॉलेज और प्राचार्य मुख्य चिकित्सा। आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। जिन योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है उसमें से राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज BSF3 लैब, राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर एफिरेसिस फैसिलिटी, कैमिलोनस फैसिलिटी, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज एफिरेसिस फैसिलिटी, राजकीय मेडिकल कॉलेज झांसी एफिरेसिस फैसिलिटी, मेडिकल कॉलेज आगरा केमिल्यूमिनेसिस फैसिलिटी, इसी प्रकार से कानपुर महाविद्यालय और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भी एफिरेसिस फैसिलिटी का ये शुभ लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही साथ जिन 7 मेडिकल कॉलेज में BSF2 लैब का शुभारंभ हो रहा है, उसमें हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट लखनऊ, रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़, FH मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी, मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, इसमें BSF2 लैब और इसमें भी कैमिलस फैसिलिटी, मेयो मेडिकल कॉलेज ऑफ बाराबंकी में भी एफिरेसिस फैसिलिटी का शुभारंभ होने जा रहा है। ये प्रदेश के इतिहास में एक प्रकार का माइलस्टोन है। हम याद करते हैं वो दिन जब हमारे पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी। आज मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि प्रदेश में कुल 390 लैब हैं, जिसमें से 132 प्राइवेट हैं और 258 सरकारी लैब। इसमें से विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज में 22 मेडिकल कॉलेज में RT-PCR की और 14 संस्थानों की 36 लैब ऐसी हैं जो RT-PCR का टेस्ट करती हैं, और जिसमें एवरेज लगभग 64-65 हज़ार टेस्ट रोज होते हैं। आज तक के परिस्थिति यह है कि हम 1.80 करोड़ के करीब 1.80 लाख से अधिक टेस्ट कर चुके हैं और 10 लाख की आबादी के ऊपर हम 76,000 टेस्ट, ये अभी तक 76,497 टेस्ट संपन्न किए जा चुके हैं। I
की खांसी और ये सांस का फूलना बिल्कुल ठीक नहीं, अब कल आप डॉक्टर हिमांशु से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है? आपका कोरोना का रिपोर्ट तो पॉजिटिव आया है, पर परेशान मत हो, तुम्हारे लक्षण माइल्ड है, कुछ आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। कसम मुझे कोई अच्छा काम करने से रोक देती। डॉक्टर नेता, आप कोविड से ठीक होके आ गए, काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरविंद जी को अंदर भेज दीजिए। डॉक्टर साहब, अरविंद जी, प्लाज्मा डोनर का इंतजाम हो गया क्या? डॉक्टर साहब, जिंदगी भर मैंने लोगों की मदद की, लेकिन आज मेरे बेटे के लिए कोई भी प्लाज्मा डोनेट करने के तैयार नहीं होती। लगता है मेरे बेटे की जान नहीं बचेगी। आप मायूस ना हो, आपके बेटे की जान बचाने के लिए मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगा। देखा आपने, इंसान ही इंसान के काम आता है, यह काम तो आप लोग भी कर सकते हैं। हमारे कर्तव्य निश्चित कर योगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा अनेक जगहों उपलब्ध कराई गई है, तब भी हम अपने धर्म के कारण प्लाज्मा दान करने से डरते। तो आइए हमारे साथ और दूर करिए अपनी मन की शंकाएं। प्लाज्मा दान वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कोरोना बीमारी से ठीक हुए 14 दिन हो चुके हों। आइए जानिए प्लाज्मा दान कैसे करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा डोनर की काउंसलिंग होती है, उसके बाद डोनर का पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण होता है, प्लाज्मा डोनर की कोविड एंटीबॉडी की जांच की जाती है, प्लाज्मा पेरिसिस की विधि द्वारा उसका 500 ml प्लाज्मा लिया जाता है। ये विधि पूरी तरह से सुरक्षित है। यह एंटीबॉडीज 3 से 4 महीने के अंदर स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो क्यों ना हम यह कीमती एंटीबॉडीज देकर किसी कोरोना के मरीज की जान बचा लें। पीड़ितों की जान बचाने को करें प्लाज्मा दान, कोरोना शूरवीरों में आपका होगा सम्मान। प्रदेश के राजकीय और यमुनाजी मेडिकल कॉलेजेस में BS लेवल 3 एवं प्लाज्मा एपेसिस यूनिट की आज के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, चिकित्सा शिक्षा वित्त विभाग के मंत्री श्रीमान सुरेश कुमार खन्ना जी, इस फील्ड में कार्यरत हमारे सभी अन्य अधिकारी और सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण, पिछले 8 महीनों से पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। सदी की पहली महामारी होने के कारण हर तबके ने एक नया अनुभव इस महामारी के साथ देखा है, उसे साझा भी किया है और उसके समाधान का मार्ग भी निकाला है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक टीम ने, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हमारे जितने भी अधिकारी हैं, चिकित्सकगण हैं, पैरामेडिक्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सब ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए
इन चुनौतियों को अवसर में बदलने और चुनौती का धैर्य से मुकाबला करने के साथ ही आज जो हमारे साथ चुनौती थी अगले ही क्षण उसका समाधान का मार्ग निकाल करके एक बेहतरीन दिशा में प्रदर्शन करते हुए देश के अंदर दुनिया के सामने कुछ बेहतरीन मिसालें भी प्रस्तुत की हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को लेकर के मुक्त कंठ से प्रशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह सब हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से और प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन की बेहतर टीम वर्क ने ये सभी परिणाम सामने लाने में सफलता प्राप्त की। आज मुझे प्रसन्नता है कि कई उपलब्धियां प्रदेश सरकार के प्रदेश की जनता के लिए जोड़ रही हैं, जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में बीएस लेवल 3 की एक नई प्रयोगशाला का लोकार्पण है, साथ निजी मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 की लैब्स का शुभारंभ होने जा रहा है, डेंगू जैसे बीमारियों से बचाव में एप्रेसिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसके लिए उद्घाटन की कार्रवाई कई स्थानों पर हो रही है और प्लाज्मा दान हेतु कोविड 19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में किया जा रहा है। यानी इन सब की अपनी भूमिका है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ की। अब अनुमान करिए, जब कोविड 19 का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर आया था तो हमारे पास बेड्स भी नहीं थे, टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन एक प्रयास प्रारंभ हुआ। 23 मार्च को जब प्रदेश में कोविड 19 का टेस्ट प्रारंभ हुआ था तो केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास थी और 23 मार्च के बाद जो यात्रा हमने प्रारंभ की, आज के दिन पे हम कह सकते हैं, अगर मैं आज के ही आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो मेरे सामने आज आई है 1,45,000 टेस्ट हम लोगों ने कल की है, परसों 1,75,000 टेस्ट हम लोगों ने किए थे। यानी राज्य सरकार ने हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, केंद्रीय संस्थान हैं, इन सब ने मिलकर के एक साथ मिलकर के जो एक टीम वर्क के साथ काम करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम है आज हम 2,25,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं और आज के दिन यह कोई समस्या प्रदेश के अंदर नहीं, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रदेश सबसे पीछे हुआ करता था वह प्रदेश आज देश के अंदर 1,80,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न कर चुका है और प्रतिदिन 1,75,000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आज जो बीएसएल लेवल 2 और लेवल 3 की हमारी लैब्स आज यहां पर प्रारंभ होने जा रही है, आरटीपीसीआर की हमारी टेस्टिंग क्षमता को और आगे बढ़ाने में इससे काफी मदद मिलेगी। दूसरा, ये जो लैब्स बनी है ये केवल कोविड 19 की ही जांच के लिए नहीं होंगी बल्कि अन्य इस प्रकार की बीमारियों से बचाव में भी इनकी बड़ी भूमिका होगी, अन्यथा प्रदेश के अंदर किसी भी ऐसे वायरस के अटैक के कारण हम लोगों को हमेशा एनआईवी पुणे पर निर्भर रहना पड़ता था। काफी हद तक अब ये लैब्स इस समस्या का समाधान करेंगे और धीरे धीरे करके हम इनका अपग्रेडेशन जब करेंगे तो हमें एनआईवी पुणे की सेवाएं यही हमारे पास उपलब्ध होंगी और ट्रेंड मैन पावर हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास यहां उपलब्ध होगा। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी आज इस सेवा के साथ युद्ध स्तर पर जुड़े हैं और 7 मेडिकल कॉलेजेस ने एक साथ लेवल 2 की हमारी
कोविड 19 की जांच की लैब्स आज शुभारंभ होने जा रही है। ये बहुत शुभ लक्षण है, एक अच्छा प्रयास है कि हमें गवर्नमेंट के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी ट्रेंड मैन पावर के साथ साथ टेस्टिंग की फैसिलिटी भी वहां पर उपलब्ध होने जा रही है। कोविड 19 का खतरा भी समाप्त नहीं हुआ और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सार्थक प्रयास भी है। आज ज्यादातर समाचार पत्रों में आपने देखा है कि भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज्यादा इफेक्टिव दिख रही है, लेकिन उस सबके बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इससे बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस बचाव की दृष्टि से प्रारंभ से ही जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं हमें उसके प्रति निरंतर सावधान होना पड़ेगा। खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातों के लिए लगातार कहा है, अवेयरनेस के लिए आज प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में सैकड़ों की संख्या में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जागरूकता के लिए स्थापित किए गए हैं। हम लोगों ने हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना करके प्रत्येक हॉस्पिटल की मैपिंग करने, हर एक कोविड पॉजिटिव केस के साथ सीधे संवाद बनाने का एक तंत्र विकसित किया है। निजी हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी लगातार संवाद बना रहे जिससे हम लोग कोविड 19 के बारे में आम जन को जागरूक कर सकें। ये सावधानी तो आवश्यक है, टेस्टिंग है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, ये निरंतर होना है। सर्विलांस जितना बेहतर होगा इस प्रकार की महामारी में उतना ही CFR हम नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और यही कारण है कि प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क जो कार्य कर रही है बेफस से, आज उसका परिणाम है कि पॉजिटिविटी रेट में, CFR में उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। कोविड मैनेजमेंट के उत्तर प्रदेश के कार्य को WHO जैसी संस्थाओं को भी सराहना करनी पड़ी है। यहां पर न केवल हम लोगों ने कोविड 19 के मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को भी प्रभावी नियंत्रण करने में आज सफलता प्राप्त हुई है। मुझे याद है जब मैं पहली बार 1998 में सांसद बना था, हमारे सामने उस समय इंसेफ्लाइटिस की विकरालता होती थी। प्रतिवर्ष 800 से लेके 1000, 1200, 1500 तक मौतें होती थी और 1977 से लेके 2017 तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब आश्चर्य करें कि 70 वर्षों में किसी के कानों में आवाज नहीं पहुंची, लेकिन आज प्रदेश में जो टीम वर्क कोरोना कालखंड में देखने को मिला ये हमने 2017 से भी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रारंभ किया था और आज इसका परिणाम है कि जिस मेडिकल कॉलेजेस में 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 तक मौतें होती थी प्रतिवर्ष, उसी मेडिकल कॉलेज में केवल 21 मौत हुई है और 21 मौत भी किन किन क्षेत्रों से, इन सबको हम लोग अभी से ऑडिट करते हुए अगली बार ये भी ना हो इस पर भी हमारी कार्रवाई अभी से प्रारंभ हुई है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक विभाग को एक साथ मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा है। स्वच्छता के लिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए, अन्य कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने के लिए हमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ा है और आज जहां हम लोगों ने सभी बीमारियों को नियंत्रित किया है वहीं मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम न केवल इसको लेकर के बल्कि एपिसिक्स यूनिट अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में प्रारंभ हो रही है। खासतौर पर प्लेटलेट्स काउंट जब भी डेंगू के कारण या किसी वायरल फीवर के कारण किसी व्यक्ति के अंदर कम होती है, ये संभावना ज्यादा तेज हो जाती है कि एक बार अगर उसकी ब्लीडिंग शुरू होगी तो फिर दिक्कत हो सकती है, उसके जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है और इस दिशा प्लेटलेट्स काउंट को प्रभावी बनाने के लिए उसे कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स देने की बात आती थी, लेकिन इसमें होल ब्लड न देना पड़े बल्कि एपेसिस
जो हमारी मशीन है इसके माध्यम से केवल हम उसे प्लेटलेट्स ही ले सकें, जो कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति दे सकता है और बहुत प्रभावी हो सके, किसी भी व्यक्ति की जान से बचाई जा सकती है। ये सेवा देने की बात हो या फिर कोविड 19 में एंटीबॉडी जिन लोगों में पैदा हो चुकी है उनके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की जान को कोरोना से बचाने में एक बड़ी भूमिका की है। आज इस प्रकार की सभी यूनिट का भी प्रारंभ प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में आज जो शुभारंभ हो रहा है, ये प्रदेश के अंदर प्रदेश के द्वारा किसी भी प्रकार की महामारी से लड़ने के लिए बढ़ते हुए उन कदमों की ओर इशारा करता है कि प्रदेश कोविड 19 को भी प्रभावी नियंत्रण करेगा, लेकिन अगर उपचार की बात आएगी तो हम कहीं भी किसी भी उसमें पीछे नहीं रहेंगे। एक बेहतर प्रयास हुआ है, मैं इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की सराहना करता हूं। कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही उस पर प्रभावी नियंत्रण करने, 24 करोड़ की आबादी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए जो प्रतिबद्धता हमारी है, अपनी इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर प्रयास चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग आपस में मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग प्रदेश और देश के अंदर और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे भी बचे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होंगे या निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने मंडलीय स्तर तक के जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहां पर पहले चरण में हम लोगों ने बीएस लेवल 3 लेवल 2 की लैब्स पहले चरण में स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। इसे अपग्रेड करने की कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेवल 3 की लैब्स हर एक जगह स्थापित हो, क्योंकि इस समय की मांग है और आज की आवश्यकता भी है। अन्यथा हम लोग इस बात को देखते हैं कि अक्सर जब भी कोई वायरस आता है ये कह दिया जाता है कि अज्ञात बीमारी से मौत हुई है, क्योंकि हमारे पास उस समय जांच की कोई भी हमारे पास लैब्स नहीं होती, टेस्टिंग की कोई सुविधा हमारे पास नहीं होती है, और फिर एक समय के बाद जैसे वायरस का प्रभाव कम होता है तब तक जांच आती है तो फिर उसको एक प्रकार से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर एक नागरिक को जीने का अधिकार है और मुझे लगता है शासन और उससे जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं का दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की इस बेहतर सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए अपना पूरा योगदान दें। मैं आज के इस अवसर पर जब प्रदेश के अंदर इतनी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हो रही हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में भी, निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी, चाहे वह एपिसिस यूनिट का है, डेंगू जैसे बीमारियों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण हेतु जो पीएमई ल्यूमिनेसेंस विधि का जो उद्घाटन आज यहाँ पे होने जा रहा है एक बहुत प्रभावी कदम है। मैं इन सब के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, चिकित्सा शिक्षा विभाग को इन सभी कार्यक्रमों को नेतृत्व देने के लिए न केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन नेतृत्व के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, उनके सहयोगी राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनी दुबे जी, हमारे जो विभिन्न संस्थानों के कुलपति प्रधानाचार्य और उनके हेड्स हैं, इन सबको भी मैं इस अवसर पर एक बेहतरीन कार्य पद्धति के लिए हृदय से बधाई देते हुए धन्यवाद भी देता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के करीब 18 मेडिकल कॉलेजों में एफेरेसिस मशीन का लोकार्पण किया और एक हेमोडायलिसिस मशीन है उसका लोकार्पण किया है। ये दोनों मशीनों से जो अभी कोविड 19 से मरीज ग्रसित होते हैं और इस रोग से जो मरीज ग्रसित हो चुके हैं और ठीक होकर घर जा चुके हैं उनकी शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा और पता लगा करके उनका प्लाज्मा एफेरेसिस मशीन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और उस प्लाज्मा को दो कोविड 19 से ग्रसित मरीजों को चढ़ाया जा सकता है, उससे प्लाज्मा से ग्रसित मरीजों की जान बचाई जा सकती है। और इसके साथ साथ आप डेंगू देख रहे हैं, डेंगू जैसा एक ख़तरनाक बुखार लोगों को हो जाता है उसमें प्लेटलेट की कमी काफ़ी हो जाती है, उस प्लेटलेट को भी
इस मशीन के माध्यम से केवल प्लेटलेट ही प्राप्त कर सकते हैं, पूरा ब्लड लेने की ज़रूरत नहीं है। मरीज जो इसमें प्लेटलेट देगा उसका बाकी का ब्लड जो है ऑटोमेटिकली मशीन के माध्यम से उसके शरीर में चला जाएगा और केवल प्लेटलेट ही निकाल करके जो मरीज जिसको देना है उसको दी जा सकती है। ये एक बहुत ही कारगर मशीन दोनों का जो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है साबित होंगी। इसके साथ ही साथ लेवल 2 की लैब का भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, इसके जिससे हमारे कोविड 19 से ग्रसित मरीजों का त्वरित परीक्षण उनकी जांच हो सकेगी। देखिए जो BSL जो लैब जो है मशीन उसमें जांच के लिए जो है अब जैसे प्लाज्मा जैसा कि बताया गया है कि अब पहले उसमें प्लाज्मा की हमें ज़रूरत रहती थी तो उसमें RBC और तमाम ब्लड के जो भी निकल जाते थे, अब केवल प्लाज्मा की हमें ज़रूरत है तो केवल प्लाज्मा ही निकलेगा जैसा कि हमें बताया गया है साहब के द्वारा। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में ये की गई है और एक बहुत ही सराहनीय और एक अच्छा ये कदम होगा कोविड 19 के लिए जो है।